हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन 15 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 0.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर पीछे के एक हफ्ते में इस स्टॉक में 11% की तेजी देखने को मिली और एक महीने में इस स्टॉक में 8% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का टेक्निकल चार्ट देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में एक डबल हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 20 रुपए 65 पैसे। इस स्टॉक में एक हाई बॉटम है जहां पर इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। स्टॉक 2 बार इस प्राइस को टच करने के बाद में एक दबाव देखने को मिलता है और नीचे का देखें तो इस स्टॉक में एक फ्रेश सपोर्ट लेवल देखने को मिला है अराउंड 16 रुपए 40 पैसे। 16 रुपए 40 पैसे इस स्टॉक में नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां पर पीछे के 4 से 5 दिनों में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन रखना चाहते हो तो अराउंड 16 रुपए 40 पैसे के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 25 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो अराउंड 18 रुपए 30 पैसे के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 19 रुपए 50 पैसे तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक दबाव देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको एक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।